गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य, कि क्या क्या इनके एम होते हैं, जो हमारी नागरिक शास्त्र विषय है इसका क्या एम होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि इनके कौन कौन से लक्ष्य होते हैं। सर्वप्रथम हम ये मानते हैं कि जो हमारी शिक्षा होती है वो शिक्षा हमारे एक आधारशिला होती है। हम ये कहते हैं शिक्षा हमारे समाज के निर्माण में हमारी एक आधारशिला होती है। किस तरीके से हमें जब हमारे समाज में जिस प्रकार की हमारे समाज को आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत होती है, वही हमारे शिक्षा का लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि हम उसी के वो पूरा करने में और उसी के पीछे हम अपना एक दौड़ लगाते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि शिक्षा हमारे समाज की एक आधारशिला है। किस तरीके से हमें उस समाज का निर्माण करना है, उस समाज की क्या आवश्यकताएं हैं, ये सब हम इस बात के लिए हम हमेशा सदैव इसके लिए प्रयासरत रहते हैं कि हमें किस तरीके से उस लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। जो हमारे लक्ष्य की जो मांगे, हमारी आवश्यकताएं, हमारी आकांक्षाएं, ये सब क्या होती है, हमारे उसके अनुकूल होती हैं, जो हमारी खुद की या हमारे समाज की आवश्यकता होती है। तो सर्वप्रथम हम यही मानेंगे कि शिक्षा जहाँ हमारी आधारशिला है, इन्हीं चीजों को जब हम पूरा करना जाते हैं तो इसके लिए हमारे जो विभिन्न लक्ष्य हैं हम उनका निर्माण करते हैं। और फिर जो हमारी आधुनिक शिक्षा के लिए कहते हैं, हम आधुनिक शिक्षा में बालक की रुचियों, सहानुभूति, जो हमारी उसकी आवश्यकता, क्षमताओं, इन सबको हम इन शैक्षिक लक्ष्यों में हम निर्धारित करते हैं कि हम ऐसे लक्ष्य बनाएं जहां हमारे इन्हें सभी चीजों की, जो हमारी आधुनिक शिक्षा की मांग है, इन सब चीजों को हमारा पूरा करवा रहे हैं। तो हम इस चीज को मानते हैं कि जो हमारे लक्ष्य होते हैं, जहां हमारी शिक्षा उसकी आधारशिला है, लक्ष्य हमारे समाज की आवश्यकता है, इसी के आधार पर हम हमारे समाज का निर्माण करते हैं। फिर हमारे शिक्षण विषय की बात आती है कि नागरिक शास्त्र में इन लक्ष्यों का क्या समावेश होता है। तो हम मानते हैं कि जो हमारी आवश्यकताएं हमारा समाज ही निर्धारित करता है कि क्या प्राप्त करना है, क्या इससे हमारे परिणाम मिले हैं, क्या हमने इससे जो लक्ष्य की प्राप्ति की है या नहीं है। अतः जो हमारे शिक्षा के लक्ष्य होते हैं वो नागरिक शास्त्र शिक्षक द्वारा हमारे छात्र का एक जीवन दर्शन होते हैं कि किस तरीके से वो अपने जीवन में आने वाली जो समस्याएं, उन्हें किस तरीके से वो सफल उस समस्या का निराकरण करते हैं और उन समस्याओं को कहां अपने एक लक्ष्य के रूप में, कहते ना कि बाधा कठिनाई, इनके बिना हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए जब हमारे इसमें जो हम जो शैक्षिक लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, इसमें हम मानते हैं हमारे कहीं ना कहीं हमारे समाचार पत्र, हमारे राजनीतिज्ञ, हमारे अर्थशास्त्री, यानी कि SST के ये भी तो एक पार्ट है नागरिक शास्त्र के, तो ये सब भी इसमें भाग लेते हैं। लेकिन जो हमारा दिशा का निर्धारण करते हैं वो कौन करता है, हमारे नागरिक शास्त्र विषय करते हैं, यानी ये नागरिक का निर्माण करते हैं, ये इसका लक्ष्य होता है। किस तरीके से समाज के जो समाज में रहने वाले नागरिक हैं वो अपना दिशा निर्देश करें, समाज में ऐसा कौन सा कार्य है जो हमें करना है, उस सामाजिकता की आवश्यकता को देखते हुए वो नागरिक अपनी किस तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, ये हमारी नागरिक शास्त्र विषय बताती है। अब हम इसमें देखें कि नागरिक शास्त्र शिक्षण के लक्ष्य कौन कौन से होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इसका लक्ष्य आदर्श नागरिक, यानी कि क्या बनाता है वो एक आदर्श नागरिक। सर्वप्रथम है इसका आदर्श नागरिकता। आदर्श नागरिकता फिर आता है हमारा आदर्श नागरिकता के बाद में हम देखेंगे जो एक आदर्श नागरिक होता है उसका चरित्र, यानी कि जो उनके खुद के चरित्र का निर्माण भी कौन करता है, हमारा नागरिक शास्त्र विषय करता है। तो सेकंड हो गया हमारा नागरिक चरित्र। थर्ड आता है हमारा नागरिक चरित्र के बाद में जो नागरिक होता है वो सर्वप्रथम हमारी किस चीज की जानकारी लेता है, राजनीतिक की। तो इसमें आ गया थर्ड
राजनैतिक राजनैतिक राज जो राजनीतिक जागरूकता जागरूकता फोर्थ है इसका नागरिक जागरूकता के बाद में सामाजिक कुशलता फर्स्ट है नागरिक चरित्र सेकंड है राजनीतिक जागरूकता थर्ड है इसका सामाजिक कुशलता और फिफ्थ है इसका कि किस तरीके से हम सामाजिक कुशलता निभाते हैं फिर है हमारा राष्ट्रीय चरित्र ये हमारे आगे इसके जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से हमारी नागरिक शास्त्र शिक्षा हमारे कौन कौन से लक्ष्य को पूरा करती है आज हम उनके 5 लक्ष्यों का वर्णन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे 4 पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि हमारे जो 9 पॉइंट्स हैं पूरा हम एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे इसीलिए हम जो आज एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमें हमारे 5 पॉइंट। तो सर्वप्रथम हमारा आता है आदर्श नागरिकता जो हमारी शिक्षण विषय है राजनीतिक जो नागरिक शास्त्र इसका सर्वप्रथम लक्ष्य होता है आदर्श नागरिक बनाना यानी कि किस तरीके से इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो लक्ष्य होता है आदर्श नागरिकता प्राप्त करना। इसके लिए हम छात्रों में उन गुणों का विकास करते हैं जिनके द्वारा वो एक आदर्श बन सके कहते हैं ना किसी के लिए आइडल बन सके उन गुणों का वो उसके अंदर समावेश करते हैं। हम मानते हैं कि आदर्श गुण क्या हो गया हम देखते हैं कि सबसे पहले जब विद्यालय में एक छोटा बच्चा प्रवेश लेता है तो हम क्या सिखाते हैं शिक्षा में उसे व्यवहारिक ज्ञान सिखाते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे स्कूल के बच्चे को इन सभी गुणों का उसके अंदर समावेश होना चाहिए जो कि वो एक अच्छा विद्यार्थी रहे उसे ये कहा जाए कि ये उस स्कूल में पढ़ता है इसे इन सभी गुणों का उन आदर्श गुण कौन कौन से हो गए हम कहें कि बड़ों का सम्मान करना बड़ों की बात मानना किस तरीके से हम उस तरीके से हमारे देश में हम क्या क्या दूसरों के लिए कार्य कर सके जो आदर्श गुण होते हैं करुणा सम्मान दया सहानुभूति सहयोग ये एक आदर्श नागरिक की निशानी होती है हम इन सारे गुणों का समावेश उसके अंदर करना चाहते हैं। तो ये जानना इसके लिए कि नागरिकों को ये जानना आवश्यक होता है कि हम जिस नागरिक क्योंकि नागरिक विषय जो हमारी राज्य से भी जुड़ी हुई है तो उसे ये भी ज्ञान करवाया जाता है कि राज्य के संबंधित देश से संबंधित समाज से संबंधित उसके कौन कौन से दायित्व होते हैं कौन कौन से उनके कार्य होते हैं जिनको वो संपन्न कर सके। तो सर्वप्रथम यही है कि वो उस राज्य के उस देश के प्रति उनके खुद के क्या राइट्स हैं उन राइट्सों का वो पूरा कराने के लिए एक आदर्श नागरिक का कि किस तरीके से वो समाज का सम्मान करे देश में रहने वाले लोगों का सम्मान करे ये हमें हमारी इन भावनाओं का विचार हमारी नागरिक शास्त्र विषय से होता है। फिर आता है हमारा सेकंड टॉपिक जो है हमारा इसमें नागरिक चरित्र के लिए हमारे जो प्रोफेसर बाइनिंग है उन्होंने कहा है कि नागरिक शास्त्र शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य होता है अच्छा व उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र यानी कि उसका अच्छा चरित्र कैसा होना चाहिए उसका अच्छा होना चाहिए किसी के प्रति उसके अंदर दुर्भावना नहीं होनी चाहिए या हम कहें क्योंकि कोई अवगुण उनके अंदर नहीं होना चाहिए ये हमारे लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन होता है। सबसे पहले अब हम देखें इसके लिए हम जो शासकीय साधन हो जैसे कि हमारे स्थानीय हमारे राजकीय हमारे संघीय सरकारों का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए यानी एक नागरिक का क्या कर्तव्य होता है कि जो अधिकार उसे प्राप्त है चाहे वो राज्य से संबंधित हो संघीय से हो तो उन सभी दायित्वों का उसे पता होना चाहिए कि एक नागरिक के क्या क्या दायित्व हैं और उन दायित्वों को उसे निभाना चाहिए। युवक के लिए ज्ञान होना सबसे आवश्यक होता है जिससे कि वो अपने आगामी जीवन यानी कि आने वाले जीवन में इन साधनों के साथ इन साधनों का प्रयोग करे और इन साधनों के वो दृष्टिकोण के महत्व को समझे। तो ये होता है हमारा नागरिक चरित्र। थर्ड आता है हमारा
राजनीतिक जागरूकता, प्रथम था हमारा आदर्श नागरिकता, सेकंड था हमारा नागरिक चरित्र, यानी उसके चरित्र का उसको किस तरीके से एक सभ्य नागरिक बनाया जाए, थर्ड था हमारा राजनीतिक जागरूकता। राजनीतिक जागरूकता में हम देखेंगे कि नागरिक शास्त्र के शिक्षण का जो अन्य लक्ष्य है वो होता है छात्रों को राजनीतिक सजगता प्रदान करना, राजनीतिक सजगता प्रदान करना। जैसा हमने देखा था कि जो किस तरीके से, क्योंकि जब तक नागरिक सजग नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे देश के लिए एक अच्छे शासक को हम जो चुनाव करते हैं वो चुनाव हम जब ही कर सकते हैं जब हम एक खुद प्रत्येक हमारे देश का नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे, अपने अधिकारों के प्रति वो सजग रहे, मतलब कि जागरूक रहे, वो अपने एक एक वोट का, अपने अधिकारों का महत्व समझेगा, तब वो एक जागरूक नागरिक कहलाएगा। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि इवन हमारी जो प्रचलित हमारी जो शासन प्रणाली है, हमारे शासन प्रणाली में हमने देखा कि पहले जब भारतीय 1970 में भारतीय जनता कई जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें जो राजनीतिक प्रयास थे उसमें जो हमारी जनता थी उसने बहुत सजगता दिखाई। कैसे दिखाई, हमने देखा था कि जहां 1970 से पहले 1969 तक जहां कांग्रेस का दबदबा था, जिसे हम कह दें कि गांधीवाद नेहरूवाद की शासन प्रणाली जो चली आ रही थी, उसके बाद में हमारी जनता इतनी सजग हुई कि उन्होंने जहां तक कहें कि केंद्र में ना हमारे राज्य में से फिर केंद्र में से उस कांग्रेस शासन का, उस नेहरूवाद शासन का उन्होंने सजगता से उसमें जो उनकी जो सजगता रही शासन प्रणाली में, उन्होंने उस नेहरूवाद और कितना उसका दबदबा कांग्रेस के दबदबे को कम करना शुरू किया। तो ये कब हुआ, जब कि हमारे देश की जनता उससे सजग हुई। अगर ऐसा नहीं होता तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा था, कहते थे कि हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू की पीढ़ी से हमारे शुरू में महात्मा गांधी, फिर नेहरू जी, फिर हमारे जो इंदिरा गांधी जी, फिर हमने देखा कि संजय गांधी, हमने देखा राजीव गांधी, लेकिन ये दर पीढ़ी दर चलता आ रहा था उस नेहरूवाद को, गांधीवाद की जो शासन था उस शासन को समाप्त करने में, उसको कम करने में किसका, जहां किसका था, हमारी जो हमारी जहां हम कहें कि हमारी जो खुद की जनता थी वो सहभागिता उन्होंने उसमें दिखाई, यानी कि वो अपनी सजगता कहां दिखाने लगे, उस दूसरे शासन में। तो यही चीज थी कि अगर हमें सक्रियता निभानी है, अगर जब तक नागरिक स्वयं सजग नहीं होंगे तब तक वो अपने अधिकारों का सही प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए जो ये राजनीतिक जागरूकता होती है वो भी हमें हमारे नागरिक शास्त्र विषय से हमें इसका ज्ञान होता है, और इसी चीज का हमें जो कहते हैं ना ज्ञान प्राप्त होता है, फिर जाके कई नागरिक इसके लिए सजग होते हैं। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय चरित्र, यानी कि हम कहते हैं ना कि हमारी राष्ट्रीय राजनीतिक जागरूकता के बाद में है हमारा सामाजिक कुशलता। कि हमारे सामाजिक कुशलता के लिए कहते हैं कि नागरिक शास्त्र शिक्षण का जो अन्य लक्ष्य होता है वो होता है छात्रों में सामाजिक कुशलता का विकास करना। इसके लिए उनमें उन जो हमारे सामाजिक कुशलता के जो विकास में भी ये हमारे सहायक होते हैं कि किस तरीके से हमें इसे आगे बढ़ाना है। इसी सामाजिक कुशलता के विकास के लिए हम ये कहेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो कि सामाजिक कुशलता के गुणों को दिखाई देते हैं इसके अंदर। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इसके अंदर आर्थिक कुशलता, पहला पॉइंट आएगा हमारा आर्थिक कुशलता। आर्थिक कुशलता, फिर आएगा इसमें हमारा सेकंड जो है हमारा इस सामाजिक कुशलता में सेकंड पॉइंट आता है हमारा सामाजिक सजगता। सामाजिक सजगता, सामाजिक सजगता, सामाजिक सजगता के बाद में आता है हमारा फर्स्ट आर्थिक कुशलता, सेकंड है हमारी सामाजिक सजगता, फिर आती है थर्ड हमारा निषेधात्मक सजगता, निषेधात्मक सजगता, फिर आती है हमारी फोर्थ, इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा इसके अंदर विधेयात्मक, विधेयात्मक
सजगता, निषेधात्मक सजगता को जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव मॉरलिटी, और विधेयात्मक सजगता को हम कह सकते हैं पॉजिटिव मॉरलिटी। आगे इसमें बता गया कि जो सामाजिक कुशलता है वो हमारी जो नागरिक शास्त्र उसका लक्ष्य होता है हमारे सामाजिक विकास करना, कि किस तरीके से हम सामाजिक विकास करते हैं बताओ कैसे। सर्वप्रथम हमारी आर्थिक कुशलता, यानी कि हम अर्निंग में हमारे जो देश हमारे समाज के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक कुशलता प्रदान होनी चाहिए, उन्हें आर्थिक तंगाई नहीं होनी चाहिए, उन्हें वो कार्य करने की या कई उन कार्यों की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी इस समस्या को दूर कर सके। अगर प्रत्येक नागरिक इस समस्या से दूर होगा उसमें उन सब किस तरीके से उसे अपनी आर्थिक परिस्थिति को दूर करना है, जिसे कहते हैं कि जो हमारी समस्याएं आती हैं आर्थिक संबंधी, उन समस्याओं को दूर करने का उस समाज में, क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है उसे हमें मजबूत करना होता है। तो वही आर्थिक कुशलता किस तरीके से हम इसमें पारंगत कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं जो हम इसके अंदर कुशलता लाएं, तो ये भी हमारी नागरिक शास्त्र में सिखाती है। ये कहें कि किस तरीके से हमारे अंदर जो गुण होते हैं उन गुणों का हमें कैसे पता चलता है, या कहें या उन गुणों का हमारा विकास होता है, उन गुणों के माध्यम से हमारा जो आर्थिक विकास भी हमारा होता है। सेकंड जो है हमारी सामाजिक सजगता, यानी कि समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, समाज के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, वो दायित्व उन दायित्वों का हमें ज्ञान करवाती है हमारी नागरिक शास्त्र शिक्षण विषय, कि किस तरीके से हम समाज में रहते हुए हम उन सभी जो हमारे कार्य होते हैं उन सब कार्यों को दायित्वों को हम पूरा कर सके। फिर है हमारा निषेधात्मक सजगता, कहते हैं कि कई बार ये होता है कि जो हम कार्य करते हैं कहते हैं ना कि अच्छा कार्य करेंगे हम तो उसके लिए हमारे पास हमें एक विरोधी मान लिया जाता है, एक विरोध हमारा किया जाता है। तो निषेधात्मक सजगता कि हमें उस चीज से हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, किस तरीके से हम उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं या कहें कि हम उस चीज से लड़ सकते हैं, वो सजगता हमारे अंदर होनी चाहिए। जो हम कहते हैं ना कि अगर अच्छा कार्य कोई करता है तो उसके विरोधी भी बहुत मिलते हैं, उसके अपवाद करने वाले भी बहुत मिलते हैं, उन अपवादों से हमें किस तरह से लड़ना है, किस तरीके से हमें उसके प्रति सजगता दिखानी है, ये भी हमें हमारी इस विषय के द्वारा हमें ज्ञान होता है। फिर है हमारी विजयात्मक सजगता, पॉजिटिविटी, यानी कि क्या क्या हमारे समाज में हमारे देश में हमारे नागरिकों के प्रति क्या अच्छा है, जो पॉजिटिविटी हमारे लिए लाए, पॉजिटिविटी का प्रसार हो सके, उन चीजों की सजगता जागरूकता भी हमें हमारी शिक्षण विषय सिखाती है। तो ये थे हमारे सामाजिक कुशलता के, जो सामाजिक कुशलता के विकास में जो हमारे गुणों का समावेश होता है वो ये हमारे चार थे, आर्थिक कुशलता, सामाजिक सजगता, निषेधात्मक सजगता और विधेयात्मक सजगता। फिर आता है हमारा इसमें राष्ट्रीय चरित्र, यानी कि राष्ट्रीय चरित्र नागरिक शिक्षण का जो एक हमारा दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण ये है हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा दृष्टिकोण, हमारा ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके हम हमारे राष्ट्र का सम्मान कर सके, हम हमारे राष्ट्र का विकास कर सके, उन सभी चीजों का हमारे अंदर समावेश होना चाहिए कि किस तरीके से हम राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। हम मानते हैं कि जो हमारे छात्र होते हैं हम इस चीज को मानते हैं कि हमारे भावी राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो उन गुणों का उनके अंदर उन चरित्र में किस तरीके से उसका निर्माण करना है या किस तरीके से हमारे उन गुणों का समावेश करना है, ये हमें हमारी शिक्षण विषय सिखाती है कि हमें उनका ऐसा राष्ट्र चरित्र निर्माण हो सके जिससे कि वो राष्ट्र के हित में हो सके, यानी कि जो भी कार्य करें हम हमारे राष्ट्र के हित के लिए करें, ऐसा हमें जो हमारे छात्र होते हैं उनके अंदर हम हमारे इस भावना का विकास हम कर सके जिससे कि हमारे देश का भी विकास हो सके। इसके लिए हम कहते हैं कि इसके सभी छात्रों में हम क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास हमें करना चाहिए, हमें प्रेम सहानुभूति और दया और सहकारिता ऐसे गुणों का हमें उसके अंदर समावेश करना चाहिए। तो जब हम इन गुणों का समावेश हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, हमारी नागरिक शास्त्र विषय के माध्यम से, जिसके लिए हम कहते हैं ना हमें ये कहा भी जाता है, हमने हमारी पुस्तक में भी पढ़ते हैं, क्या कहें
वसुधैव कुटुंबकम यानी इस भावना का उसके सभी के अंदर विकास होना चाहिए। इसके अंदर हमें हमारी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा हमारी एक आधारशिला है। अब शिक्षा अगर हम सब्जेक्ट की हमारे शिक्षण की नागरिक की ले रहे हैं तो हमें उन सभी गुणों का इसके अंदर समावेश होगा जिससे कि हमारे देश का हित हो और हमारे राष्ट्र का निर्माण आगे हो सके या कहें कि हमारे हमारे देश का विकास हो सके। ये हमारे आज के पॉइंट थे 5 और नेक्स्ट जो हमारे 4 पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसका ये फर्स्ट पार्ट। धन्यवाद।